ऐ खुदाया, मैं हूँ हुसैन इब्न अली, तेरे आखिरी नबी की प्यारी बेटी का बेटा, और ये ज़रीहे मुबारक है तेरे आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा की, और मैं इस कायनात में उसकी आखिरी निशानी हूँ। तू जानता है किन हालात से मैं दोचार हूँ, बस तुझे ये भी पता है कि मैं हमेशा जुल्म और जबर के खिलाफ तेरी राह में जिहाद करता रहा हूँ। तुझे वास्ता देता हूँ अपने आखिरी नबी के हक का कि तू मुझे इन जिम्मेदारियों में अपनी मदद से और अपनी ताकत से नवाज। बेशक तू कायनात का रब है। बेमुरव्वती है ये प्यासे जानवर को पानी पीते हुए मारना। तू इस दहकते चेहरा में मुरव्वत ढूंढ रहा है? शुक्र करो दीने मोहम्मद आ गया और तुम बच गए कि आज उसी दीन की वजह से तुम जिंदा खड़े हो। तुम अपने खुदा की रहमत से कैसे उम्मीद रख सकते हो जब एक प्यासे जानवर पर तुमने थोड़ी सी भी रहम दिली नहीं दिखाई? चलें बिरादर, अपने काम की तरफ चलते हैं। मैंने सुना है कि एक कारवान मदीने से कूफा की तरफ आ रहा है। हुसैन इब्ने अली ने मुस्लिम को कूफे की तरफ रवाना किया है। और ऐसा भी है कि हुसैन इब्ने अली खुद ही कूफा पहुंच जाए। या सब ने मुस्लिम की बैत कर ली। मैंने मुस्लिम को देखा और मैंने उनकी बैत कर ली। हमारी यजीद की बैत का क्या होगा? बैत क्या दी? हमारी बैत क्या दी? कल यजीद क्या कहेगा? वो अपने काम में मगन है तो हम अपना काम करेंगे। सलाम बर अशराफ कूफे। सबात सवाल है अपनी मर्द। आज कल कूफे के अशराफ जादे वो हैं जिन्होंने मुस्लिम की बैत कर ली है। वो दिन दूर नहीं जब हुसैन को नुमाइंदा यहाँ का खलीफा बन जाए। मैं नहीं मानता, वो अली के बेटे का इंतजार कर रहा है। और दूसरी खबर ये कि उन्होंने हमें भी मुस्लिम की बैत की दावत दी है। वाह क्या खुशखबरी है, तो बस हम फिर क्या इंतजार कर रहे हैं? इंतजार ये है कि तुम अपने अंगूर खा लो। नौमान मुस्लिम का हरीफ नहीं है, कूफे को आसानी से मुस्लिम के हवाले कर देगा। और क्या खबर उसने भी मुस्लिम की बैत कर ली हो? इस बेवकूफ से ये बिल्कुल बईद नहीं है। कल यजीद क्या कहेगा? अगर यजीद को कूफा चाहिए तो किसी और को गवर्नर मुकर्रर करना होगा। मैं अपने अमीर यजीद इब्न माविया को इस सूरत हाल की खबर देने जा रहा हूँ। क्या इब्न साद खलीफा के फायदे की बात सोचता है? अगर यजीद ने कूफा खो दिया तो इब्न साद रे की हुकूमत से भी हाथ धो बैठेगा। बिलाखिर क्या होगा भाई? शहर में बहुत सारे जासूस हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते। हुकूमती सिपाही हर तरफ हैं। जिन्होंने तक्वा इख्तियार किया उनकी राय और हिकमत
वही है जो आपके खतूत में लिखी और पढ़ी गई। इमाम वो होता है जो किताब खुदा पर अमल करे, वो आदिल होता है और इंसाफ को कायम करता है। आपने कहा कि आपके पास कोई इमाम नहीं और आपको हमारी सरपरस्ती और कयादत की जरूरत है। बस मैंने अपने अहले खाना में से अपने चचाजाद पुर यकीन और पुर एतमाद शख्स को आपकी तरफ रवाना किया है, और अगर वो आपकी वफादारियों को उसी तरह पाए जैसा खतूत में है तो मैं आपकी तरफ खुद रवाना हो जाऊंगा। मैं दूसरों के दिलों की हालत का नहीं जानता, मगर मैं आप सबने अभी शाहिब आपकी दोबारा बैत करता हूँ इस उम्मीद में कि मौला हुसैन जल्द हमारी तरफ आए। به امید آمدن مولایم حسین خدا کی رحمتیں ہو تم پر، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، آنچه در دل داشتم گفتی، اور خدا کی وحدانیت کی قسم حبیب ابن مظاہر بھی یہی کرے گا۔ مجھے آپ کی وفاداری اور دوستی پر ذرا بھی شک نہیں کہ آپ رسول خدا کے مخلص پیروکار اور علی کے وفادار شیعہ ہیں، لیکن کیا واقعی تمام کوفہ والے آپ کی طرح ہیں؟ ہم ما در بیعت تو هستیم مسلم، آری با تو هستیم، यहाँ से निकल पड़ो। ऐ मुत्तकी और बाइज्जत लोगों, मैं हाबिस इब्ने अबी शैब को आपके खतूत के साथ इमाम की तरफ रवाना करता हूँ ताकि वो कूफा की तरफ फौरन आ सके। कोड़ा तैयार है जनाब। मैं बसरा से इस बीमारी के साथ आया हूँ। हमारी उम्र को हुआ है क्या, तुम भूल गए हो? लेही हम काफी देर का सामना कर चुके हैं। कूफा कहीं भागा तो नहीं जा रहा? मुझे तो ये गुमान होने लगा है कि तुम मुझे कूफा में पहुंचाना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कूफे वाले तुम्हें पहचान लेंगे और तुम्हारे जिस्म पर इस सर को नहीं छोड़ेंगे। मेरी फिक्र मत करो, दारुल हुकूमत में दाखिल होना मुझे अच्छी तरह आता है। कूफा पहुंच जाओ तो दारुल अमारा में आ जाना। मैं हानी अपने उर्वा के घर में होऊंगा। तो बस मैं तुम्हें वही मिलने आऊंगा। ज्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें बूढ़े? ये खलीफा का हुक्म है। چه خبر است؟ دنبال من بیا. اچھا تو حسین رستی مر ہے، خبر دینی پڑے گی ہمیں۔ سواری میبینم، امام است که میآید. دروازه را ببندید. امام است که میآید. رسول خدا می آید. خدایا
اے حسین، تمہارے ہاتھ میں میں دارالحکومت کبھی نہیں دوں گا۔ دروازے را بر روی حسین ابن علی باز کن۔ اے حسین، من دارالحکومت را به تو تسلیم نمی کنم، مرا به جنگ وادار نکن۔ نومان، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو ہم اسے توڑ دیں گے۔ دروازہ کھولو، یہ میں ہوں۔ این کے سفیر یزید، یہ حسین ابن علی نہیں، یہ مردود تو مرجانا کی اولاد ہے۔ در کوفه چه می کنن؟ دروازه رو باز کنید۔ حسین ابن علی رو می خواهید؟ پسر مرجان من امشا آمده، او در کوفه چه می کنن؟ پسر مرجان من امشا آمده، طرف کنار، طرف کنار، کنار به این سوی کنار، به نام این سوی کنار، خوش آمد. کتنے نکمے ہو تم، کچھ مٹھی پر درواہوں کو نہیں سنبھال سکتے، بے وقوف۔ نومان، مسجد کوفہ میں لوگوں کو جمع کرو، میں خطبہ کروں گا۔ اعلی امیر،